हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप देख हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया और मैंने आज नए कपड़े पहने, तो आप मेरे को बताएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में आज मैं कैसा लग रहा हूँ आप सभी को। तो अभी मैं कहीं और जगह पे जा रहा हूँ, आप सभी को मिलता हूँ थोड़ी देर में। बाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप देख ही सकते हैं मैं दुर्गा माता जी के मंदिर आया था पन्ना वन्नाम करके। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से जैसे साइड को आगे को चले गए बहुत आगे, तो अब मैं ना यहाँ से सीधा सीधा जाता हूँ। तो यहाँ पे दुर्गा माता जी का मंदिर है, तो मैं किसी दिन बनाऊंगा। तो यहाँ पे भी एक गाय है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक गाय है, प्रणाम कर लेते हैं। ये देखिए बच्चे, ओहो दो गाय तो मिल गई। पहला गुस्से में लग रही है। और मेरे भाई कैसे हो? अब मैं आप सभी को थोड़ी देर में मिलता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप देख ही सकते हैं मैं सारथा पब्लिक से आ रहा था ना ऊपर साइड को, तो मेरे को ना यहाँ पे ठीक गाय मिल गई है। गाय अभी ना घास खा रही है जैसे आप देख ही सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप देख ही सकते हैं ये है सारथा पब्लिक स्कूल। तो अभी बच्चे ना क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैम पढ़ा रही होंगे। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे सारथा पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा करके लिखा हुआ है, जैसे आपको देखने को मिल रहा है। और ये पूरा ग्राउंड है, पता है आपको? ये देखिए पूरा ग्राउंड है, यहाँ पे बच्चे कुछ भी खेल सकते हैं। तो ये देखिए ये है वैन, बच्चे इसमें आते हैं छोटे वाले, और बड़े लोग आते हैं बस में। तो बस तो वो ऊपर लगा है अभी, तो आप देख ही सकते हैं जाली जाली लगा रखा है अभी तो यहाँ पे जाली जाली। ये देखिए एक बंदर, ओ बेटा स्कूल के वहां भी बंदर आ, देखिए कितना प्यारा सारथा पब्लिक स्कूल लग रहा है। वो बच्चे देख रहे हैं मेरे को क्या कर रहे हैं करके। तो मैं मिलता हूँ आप सभी को थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप देख ही सकते हैं मैं पहुंच चुका हूँ रत्नेश्वर मंदिर। तो अब हम यहाँ से सीधा सीधा जाएंगे। जैसे आप देख ही सकते हैं, अंगर आप बताइए क्या हो रहा है बेटा? ये ऐसा है, आज मंदिर की सफाई चल रही है, पेंटिंग चल रही है। हाँ जी, आज इसमें पेंट कर रहे हैं। हाँ जी, भगवान बाहर रखे हैं, राधा कृष्ण को ढका है। हाँ जी, और ये गणेश जी, चक्रधुज, शालिग्राम और हनुमान जी यहाँ पर बाहर रखे हैं। जब पेंटिंग हो जाएगी तो अंदर विराजमान होंगे। अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप देख ही सकते हैं मैं मुरली मनोहर मंदिर पहुंचा था। मैं मुरली मनोहर मंदिर पहुंचाना, तो क्या कहते हैं अंदर का अंदर पूरा कंप्लीट हो चुका है, व्हाइट लग चुका है, अभी तो पीला और रेड रखना बाकी है। और जैसे आप देख ही सकते हैं खंभे में हो चुका है पूरा, और व्हाइट और पीला और रेड लग चुका है। और आप देख ही सकते हैं मंदिर के पीछे से मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो आप ये देखिए मंदिर में भी मंदिर के बाहर से लग चुका है, और व्हाइट भी लग चुका है, पीला भी लग चुका है, रेड भी लग चुका है। तो अब ना जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अभी अंदर का बाकी है, अभी ऊपर का भी बाकी है, अंदर और ऊपर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अंदर को अभी पीला और रेड लगाना है, ऊपर को भी लगाना है, तो ऊपर का सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको ना घर से लेकर मुरली मनोहर तक का सफर करवाऊंगा, और यहाँ के जो भी होंगे मैं मंदिर के बारे में सब पूछूंगा। अभी फिलहाल कंप्लीट होने देते हैं, पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आप सभी को पूरा मंदिर के बारे में इतिहास बताऊंगा। तो अब मैं जाता हूँ थोड़ा ध्यान में। बाय फ्रेंड्स। आप भी देख ही सकते हैं अंकर लगा रहे हैं, रेड कलर लगाई है यहाँ पे ना भगवान जी को ढक रखा है, ताकि कोई भी अगर पेंट करेंगे अंकर जैसे पेंट करेंगे तो भगवान जी की वार ना टपके, पेंट ना टपके करके कपड़ा लगा दिया है। जैसे आप देख ही सकते हैं कपड़े में भी थोड़ा थोड़ा पेंट देखने को मिल रहा है। ये अभी तो यहाँ पर पूरा पेंट होगा, अभी तो यहाँ पे पूरा पेंट होगा, रेड कलर लगेगा। और हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप देख ही सकते हैं बंदर कैसे पानी पीते हैं। ये देखिए कितना मेहनत करके पानी पीते हैं। अभी इनने अपने हाथों से खोला और पानी पी गए और चले गए, देखा? और पानी ना खुला भी छोड़ दिया इनने। तो अब मेरे को ना बंद करना पड़ेगा पानी,
खुला छोड़ दिया भाई लोगों ने। मिलता हूँ थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, जैसे देख ही सकते हैं मैं मुरली मनोहर से निकल चुका हूँ और यहाँ पे बंदर भी बैठे हुए हैं। बेटा देखिए कितनी हरियाली लग रही है ना पे, ग्रीन ग्रीन। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं ना यहाँ से शॉर्टकट जा रहा हूँ घर की तरफ। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड पे पेड़ ही पेड़ है, कितना हरियाली लग रहा है ना फ्रेंड, कितना ब्यूटीफुल ऑसम लग रहा है। तो आप जैसे देख ही सकते हैं, तो अब मैं आपको ना थोड़ी देर में मिलता हूँ। हेलो फ्रेंड, जैसे आप देख ही सकते हैं मैं इस रास्ते से आ रहा था, तो दिखाऊं ये वाले रास्ते से आ रहा था तो मेरे को थी गाय मिल गई, यहाँ पे घास खा रही है। जैसे आप देख ही सकते हैं ये देखिए घास खा रही है गाइस। तो अब हम ना यहाँ से सीधा सीधा जाएंगे घर की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से जाता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ से सीधा सीधा जाऊंगा मैं, मिलता हूँ थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड, जैसे आप देख ही सकते हैं मैं पहुंच चुका हूँ घर और अब मैं कपड़े चेंज करूंगा। चेंज करने के बाद फिर मैं फ्रेश हो जाऊंगा। फ्रेश होने के बाद अब मेरे को ना ब्लॉग यहीं पे एंड करना पड़ेगा। अब मैं ना कल एक नया ब्लॉग बना रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया ब्लॉग आने वाला है कल मेरा, तो सरप्राइज है, मैं आप सभी को कुछ बताऊंगा नहीं, सरप्राइज है आपके लिए, बस इतना जान लीजिए आप बस। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। राधे राधे।